Are you enjoying, guys? Yeah! So, hello, दोस्तों, सलाम अलैकुम, मरहबा, एक नया व्लॉग में और ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे साथ पादरी और हम लोग अभी आए हैं रिजॉर्ट। आज हम लोग रिजॉर्ट आए हैं और आपको दिखाएंगे कि सऊदी अरब के जो रिजॉर्ट हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं उसमें और हम लोग उसमें क्या करते हैं, क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज करेंगे आज। तो बने रहिए, अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं आगे। सो गाइज, पहली चीज़ जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बारबेक्यू एरिया यहाँ बना हुआ है। अगर आपको बारबेक्यू करना है तो आप आराम से बस अपना कोयला और ये सब सामान लेके यहाँ आप अपना बारबेक्यू कर सकते हैं। यहाँ एक मजलिस बनी हुई है जो कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो आप आराम से यहाँ बाहर बैठ सकते हैं और वहाँ एक रूम है। तो ये पहला सेक्शन हो गया। और सऊदीया के रिज़ॉर्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आप लोग को कि लेडीज़ सेक्शन अलग होता है और मेल सेक्शन अलग होता है। सो गाइस, जैसे आप लोग को बताया था कि दो सेक्शन होता है और ये लेडीज़ सेक्शन यहाँ है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से और अच्छे से बना हुआ है यहाँ। और अगर आप कभी भी कोई भी रिज़ॉर्ट आए सऊदीया में तो आपको यही सिस्टम मिलेगा। और आप लोग अभी देखिएगा कितनी खूबसूरती से ये चीज़ यहाँ बनी हुई है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है बहुत खूबसूरती से। और स्विमिंग पूल सिर्फ एक नहीं है बल्कि दो बना हुआ है। अगर बड़े लोग हैं तो यहाँ स्विमिंग करेंगे और बच्चों के लिए गेम वेम भी बना हुआ है और छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हैं। और जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितनी खूबसूरती से ये हॉल बना हुआ है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो या पार्टी हो तो आप यहाँ आके आराम से कर सकते हैं। और काफ़ी तैयारी के साथ ये हॉल को बनाया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं जो लाइटिंग वाइटिंग पार्टी की होती है यहाँ लगे हुए हैं और जो स्मोक मशीन होता है वो भी लगा हुआ है। और जैसे आप लोग ने देखा है रिजॉर्ट में क्या क्या चीज़ होती है, तो हम लोग चलते हैं अपनी मस्ती करने। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग स्विमिंग पूल में दाखिल हो गए हैं और यहाँ काफ़ी चैलेंज करेंगे। तो आज के लिए पहला चैलेंज, ठीक है, तुम लोग के लिए सुनो गौर से, ये मेरी घड़ी है, ठीक है, हम उसको वहाँ फेंकेंगे और जो सबसे पहले इस घड़ी को वहाँ से ले आएगा उसके लिए मेरी तरफ से 10 रियाल, ठीक है, चलो आँखें बंद कर लो तुम लोग। तो हम अभी घड़ी फेंकते हैं वहाँ। ओके, 1, 2, 3 गो। देखते हैं कौन पहले जाता है। अब्दुल अजीज या कादरी, देखते हैं कौन पहले। ओ, अब्दुल अजीज को मिल गई पहले। तो अब्दुल अजीज के लिए 10 रियाल, ठीक है, ये हो गया पहला चैलेंज। अब दूसरा। सो गाइस, दूसरा चैलेंज ये रहेगा इस वॉल से उस वॉल तक, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसके लिए 10 रियाल और। 1, 2, 3 ओ, कादरी पहुंच गया पहले। सो अभी चैलेंज में ये हो गया टाइम 1-1, आपको 10 रियाल मिलेगा और आपको 10 रियाल मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा चैलेंज तुम लोग के लिए। और तीसरा चैलेंज ये रहेगा कौन लंबी समय तक अपने सांस रोक सकता है पानी के अंदर। सो गाइस रेडी, यल्ला, वाहिद, इत्मीन, थलाथा, गो। तभी जैसा आप लोग देख रहे हैं दोनों अंदर चले गए हैं और कौन सबसे लंबे टाइम के लिए अपनी सांस को रोक पाएगा देखते हैं। कम ऑन, कम ऑन, यल्ला। ओ, कादरी निकल गया, इसीलिए बोलते हैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। और अज़ूज निकल गया बाद में। तो अज़ूज आप जीत गए हैं, ठीक है, तुम हार गए हो हमेशा की तरह। तो आपको मिलेगा 20 रियाल, 20 रियाल अभी तक हो गया और आपको 10 रियाल। ओके, ठीक।
और चैलेंज नंबर 4 वॉलीबॉल लाए अपने साथ और वॉलीबॉल खेलेंगे लोग। जो हार जाएगा जो जीतेगा उसको 10 रियाल। ठीक है तो शुरू करते हैं। यल्ला कम ऑन यल्ला। ओ अब्दुल अजीज, और अब्दुल अजीज इस चैलेंज में जीत गया है और आपको 10 रियाल और मिलेगा। 30 रियाल और आपका होता है इक्वल 30 रियाल। सो और कादरी देखिए हारा हुआ चेहरा हुआ। सो गाइस चैलेंज यहीं ख़त्म होता है स्विमिंग पूल का, और चैलेंज में जीता है अब्दुल अजीज 30 रियाल और कादरी ओनली 10 रियाल जीता है। और छोटी सी वीडियो क्लिप बनाया है बहुत अच्छी, तो आप लोग देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह की वीडियो क्लिप कैसे लगी। يزف الأنس ألوانا أطل العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا ألا حييت من عيد أتانا. और अभी तैरने के बाद कुछ हल्का फुल्का खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज स्विमिंग के बाद कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए स्नैक्स है यहाँ, ये सैंडविच सब है और ये चिप्स विप्स यहाँ का है और इंडियन डालमोट ज़रूरी होना चाहिए और ये कौन नहीं जानता है खीर, और ये करासोन है चॉकलेट वाला बिस्किट्स। तो अभी हम लोग खाते हैं कुछ हल्का फुल्का फिर आप लोग से मिलते हैं। और गाइस खाने पीने के बाद अभी शाम हो गई है तो आप लोग को थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं कि शाम में कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। सो गाइस मेरी भांजियाँ अभी समर ड्रिंक बना रही हैं तो बनाओ देखते हैं। नींबू डाल दिया, बेरी और सेवन अप। सो गाइज अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है यार, शुक्रिया। बच्चों लोग को भी नहीं भूला है तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है, रोल करेंगे कैंडल को और जहाँ पे रुकेगी वो चीज़ उन लोग को मिल जाएगी। तो बहुत सारा खिलौना है यहाँ और यहाँ फॉर्म भी दिया हुआ है, तो अगर फॉर्म पे रुकी तो उन लोग को मुँह पर लगाया जाएगा। ओके रेडी यलो। ओ अनस को ये कार मिली है। या सलाम तैयार खुद। हाँ और अब बस्साम की बारी है। यल्ला बस्साम और मुमताज खलास बस्साम उतर। बस्साम के लिए देख लीजिए। ओके सो लास्ट वन माजिद है। यल्ला माजिद चाल चाल। ओम माजिद ही की नसीब से हुआ है। सो गाइज और ये आखिरी चीज़ है इस दिन की और अभी हम लोग डिनर करेंगे सीख कबाब और उसके साथ राइस होता है और ये अरबी तरीक़े से बनाया जाता है और ये एक सीरियन खाना होता है उसको बोलते हैं तब्बूला, बेसिकली एक सलाद होते हैं और हम्मस। ये शीश तावुक है अरबी में, इसको शीश तावुक बोलते हैं और ये चिकन टिक्का की तरह होता है। तो हम लोग अभी डिनर करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज यहीं अपना फ्लॉग ख़त्म करते हैं। हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए अपने घर वालों के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ करना चाहिए, इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ती है आपस में। उम्मीद है कि ये फ्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सलाम।